साल 1856 में जब ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तब कुछ मजदूरों को इस सूखी जमीन में पकी हुई ईंटें मिली। रेलवे के निर्माण में इनका इस्तेमाल तो कर लिया गया, लेकिन मजदूरों को यह नहीं पता था कि वे दरअसल प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की निशानियों का इस्तेमाल कर रहे। इसके बाद 1920 के दशक में जब पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई, तब जाकर इस प्राचीन सभ्यता के बारे में दुनिया को पता चला। पहले तो कई पुरातत्वविदों को लगा कि मौर्य साम्राज्य के अवशेष हैं, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, सच्चाई सामने आई। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर मिले जो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। ये खोज हमें इस बात की गवाही देती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक अद्वितीय सभ्यता फली फूली, एक ऐसी सभ्यता जो अपने शिल्प, स्थापत्य और विज्ञान में आज भी अद्भुत मानी जाती है। सिंधु सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन शहरी संस्कृति। आपको बता दें, 20 सितंबर 2024 को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की शताब्दी मनाई गई थी, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में 2000 स्थलों तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व 3300 से 1300 ईसा पूर्व के प्रारंभिक वर्षों और 2600 से 1900 ईसा पूर्व के परिपक्व काल में था। इस सभ्यता का क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे से शुरू होकर आज के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता प्राचीन विश्व की 3 शुरुआती सभ्यताओं में सबसे विस्तृत थी, जिसमें प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया शामिल है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बड़े शहरों के रूप में माना जाता है, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व में सिंधु नदी घाटी के सिंध और पंजाब प्रांतों में उभरे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खोज और प्रारंभिक खुदाई से। जेम्स लुईस, जिन्हें चार्ल्स मैसन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रिटिश सैनिक थे जिन्होंने 1827 ईस्वी में ब्रिटिश सेना छोड़ने का निर्णय लिया और अपना नाम बदलकर चार्ल्स मैसन रख लिया। मैसन, जो प्राचीन सिक्कों के उत्साही संग्रहकर्ता थे, उन्होंने 1829 में हड़प्पा स्थल की खोज की। हालांकि उन्होंने जल्द ही इसे छोड़ दिया और इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट से जोड़ दिया, जो 326 ईसा पूर्व में भारत आए। ब्रिटेन लौटने के बाद मैसन ने 1842 में अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलोचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब प्रकाशित की, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ, खासकर सर अलेक्जेंडर कनिंगम का। इसके बाद कनिंगम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की, जो ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई और संरक्षण के लिए समर्पित थी। 1904 में ASI के निदेशक जॉन मार्शल ने हड़प्पा का दौरा किया और निष्कर्ष निकाला कि यह एक अज्ञात प्राचीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पूरी खुदाई का आदेश दिया और मोहनजोदाड़ो की खोज की, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता था। 1924 से 25 में इसकी खुदाई शुरू हुई और दोनों स्थलों की समानताओं को पहचानने पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। 1912 में जॉन फेथफुल फ्लीट ने हड़प्पाई मोहरें खोजी, जिससे 1921-22 में सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के नेतृत्व में खुदाई अभियान चला। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पुरातात्विक खोजों का अधिकांश उत्तरदायित्व पाकिस्तान के पास चला गया। 1999 तक 1056 से अधिक शहरों और बस्तियों की खोज की जा चुकी थी, जिनमें से 96 की खुदाई की गई थी। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी IVC की, जो अपने शहरी केंद्रों के लिए प्रसिद्ध थी। इन शहरों में सुव्यवस्थित आधारभूत संरचना, अद्वितीय वास्तुकला और एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी। 2600 ईसा पूर्व तक छोटे प्रारंभिक हड़प्पाई समुदाय बड़े शहरी केंद्रों में विकसित हो चुके थे। इनमें आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा, गनेरीवाला, मोहनजोदाड़ो शामिल हैं, जबकि आधुनिक भारत में धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़ और लोथल जैसे प्रमुख स्थल। कुल मिलाकर 1052 से अधिक शहरों और बस्तियों की खोज की गई थी, जो मुख्य रूप से सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में स्थित है। इन शहरों के अवशेष बताते हैं कि यहाँ एक अद्भुत संगठन था। यहाँ की अच्छी तरह से व्यवस्थित वेस्ट वाटर ड्रेनेज और कचरा संग्रहण प्रणाली के साथ साथ सार्वजनिक अनाज गोदाम और स्नानघर भी मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ बनी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसे हम आज के आधुनिक शहरों में भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हड़प्पाई समाज और उसकी राजनीतिक प्रणाली की तरफ। पुरातात्विक रिकॉर्ड हमें हड़प्पाई समाज में सत्ता के केंद्रों या शक्ति के चित्रण के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देते हैं। हालांकि हड़प्पाई कलाकृतियों में असाधारण समानता इस बात का संकेत देती है कि उस समय किसी प्रकार का प्राधिकरण या शासन रहा होगा, जो कि बर्तन, मुहरों, ईंटों आदि का मानकीकरण करता हो। समय के साथ हड़प्पाई शासन प्रणाली के बारे में
तीन प्रमुख सिद्धांत भी विकसित हुए। पहला सिद्धांत है कि यह एक ऐसा एकल राज्य था जो सभ्यता के सभी समुदायों को समाहित करता था। इसके पीछे कलाकृतियों की समानता, योजनाबद्ध बस्तियों के साक्ष्य और मानकीकृत ईंट के आकार का अनुपात है जो इसका समर्थन करते हैं। दूसरा सिद्धांत यह मानता है कि कोई एकल शासक नहीं था, बल्कि प्रत्येक शहरी केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई शासक, इनमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और अन्य समुदाय शामिल थे। अंततः कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्तमान शासन व्यवस्था के विचार जैसा कोई शासक नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प, तकनीक और कलाकृतियों की बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन ज्ञात संस्कृति है, जिसे शहरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा 19वीं और 20वीं शताब्दी में इनकी खोज और खुदाई ने हमें इस अद्भुत सभ्यता की तकनीक, कला, व्यापार, परिवहन, लेखन और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की। अब सिंधु घाटी सभ्यता की तकनीक और कला के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये सभ्यता अपनी उन्नत तकनीकों के लिए जानी जाती थी, जिसमें माप और वजन के सिस्टम में अत्यधिक सटीकता शामिल थी। हड़प्पाई लोग उन पहली सभ्यताओं में से थे जिन्होंने मानक वजन और माप की एक प्रणाली विकसित की थी, जिसमें सबसे छोटा डिवीजन लगभग 1.6 मिलीमीटर को लोथल में एक हाथी दांत के पैमाने पर अंकित किया गया था। ये कांस्य युग के पैमाने पर दर्ज सबसे छोटा डिवीजन माना जाता है। इसके अलावा सिंधु शहरों में उपयोग की गई ईंटें भी समान आकार की थीं, जो उनकी उन्नत माप प्रणाली का संकेत देती हैं। विशेष रूप से उनकी सीवर और ड्रेनेज प्रणाली मध्य पूर्व के समकालीन शहरी स्थलों की तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। ये प्रणाली आज भी पाकिस्तान और भारत के कई क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रणालियों से अधिक कुशल मानी जाती है। इसके अलावा हड़प्पा वासियों को मुहर काटने में भी दक्षता हासिल थी। वे पैटर्न काटने और संपत्ति की पहचान के लिए विशेष मुहरों का उपयोग करते थे। ये मुहरें सिंधु घाटी में सबसे सामान्य कलाकृतियों में से थी, जिन पर जानवरों के चित्र भी उकेरे गए थे। इतना ही नहीं, हड़प्पा वासियों ने धातु विज्ञान में भी नई तकनीकों का निर्माण किया, जैसे तांबे, कांस्य, सीसा और टीन के साथ काम करना। कला के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी के खुदाई स्थलों ने संस्कृति की कला के कई अद्भुत उदाहरण पेश किए हैं। इनमें मूर्तियां, मुहरे, बर्तन और सोने के आभूषण शामिल हैं। अब हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और धर्म के बारे में। यह पहलू हमें सभ्यता के रहस्यमय पक्ष की झलक दिखाता है, जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता ने सिंधु लिपि का इस्तेमाल किया, जो प्रतीकों से बनी हुई एक अनोखी भाषा मानी जाती है। 3300 से 3200 ईसा पूर्व की मिट्टी और पत्थर की गोलियों पर मिले त्रिशूल जैसे चिन्ह इस बात का संकेत देते हैं कि इस लिपि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था और यह मिस्र या मेसोपोटामिया की लिपियों से बिल्कुल अलग थी। खास बात यह है कि 600 से भी अधिक सिंधु प्रतीक हमें विभिन्न सामग्रियों पर मिले हैं, लेकिन इन लेखनों का आकार काफी छोटा होता है, अधिकतर 4 या 5 अक्षरों की। सबसे लंबी लिखावट सिर्फ 17 चिन्हों की पाई गई है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह लिपि पूरी तरह से एक भाषा थी या नहीं, क्योंकि रोसेटा स्टोन जैसे किसी प्रमुख प्रमाण की अनुपस्थिति के कारण भाषा शास्त्रियों के लिए इसे समझना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। धर्म के मामले में हड़प्पाई सभ्यता ने हमें कोई स्पष्ट मंदिर या धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े सबूत नहीं दिए हैं। माना जाता है कि हड़प्पाई लोग एकमात्र देवी की पूजा करते थे, जो प्रजनन का प्रतीक थी। कुछ मुहरों पर स्वास्तिक के प्रतीक भी देखे गए हैं, जो बाद में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में भी शामिल हुए। इसके साथ ही जानवरों के प्रतीक भी सिंधु घाटी की मुहरों पर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं व्यापार और बाहरी संपर्क। हड़प्पाई सभ्यता की अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित थी और वो पहियों वाले परिवहन का उपयोग करने वाली पहली सभ्यता थी। बैलगाड़ियों का उपयोग तो आज भी दक्षिण एशिया में देखने को मिलता है। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता ने नाव और जलयानों का भी निर्माण किया। लोथल के तटीय शहर में मिली गोदियों और नहरों के पुरातात्विक प्रमाण ये बताते हैं कि सभ्यता समुद्री व्यापार में भी सक्रिय थी और इसका संपर्क व्यापक समुद्री व्यापार नेटवर्क से था। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार काफी विस्तृत और समृद्ध था। हड़प्पाई सभ्यता के लोग कच्चे माल का आयात कार्यशालाओं में उपयोग के लिए करते थे, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान से खनिज, अन्य भारतीय क्षेत्रों से सीसा और तांबा, चीन से जेड और हिमालय और कश्मीर से नदी के माध्यम से लाए गए देवदार के पेड़ शामिल थे। व्यापार वस्तुओं में टेराकोटा के बर्तन, सोना, चांदी, धातुएं, मोती, उपकरण बनाने के लिए चकमक, समुद्री शंख और लापिस लजूली और टर्कोइज जैसे नीले और हरे रंग के रत्न शामिल थे। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच एक विस्तृत समुद्री व्यापार नेटवर्क था। सिंधु घाटी की मुहरें और आभूषण मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में पाए गए हैं।
जिसमें आधुनिक इराक, कुवैत और सीरिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। समुद्र के जल निकायों जैसे कि अरब सागर, लाल सागर, फारसी खाड़ी के माध्यम से लंबी दूरी का व्यापार प्लैंक जलयानों के विकास के साथ संभव हुआ था, जिनमें एक केंद्रीय मस्तूल होता था जो बने हुए रस्सियों या कपड़े के पाल को समर्थन देता था। 4300 से 3200 ईसा पूर्व के ताम्रकालीन युग में सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में दक्षिण तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी ईरान के साथ व्यापारिक संबंध दिखते हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई काल के दौरान बर्तनों, मुहरों, मूर्तियों और आभूषणों में सांस्कृतिक समानताएं केंद्रीय एशियाई और ईरानी पठार के साथ कारवा व्यापार को दर्शाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे और क्यों हुआ। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर कई थ्योरीज हैं, लेकिन जो सबसे तार्किक और इतिहासकारों द्वारा स्वीकृत है उसके अनुसार सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व में हुआ। वैज्ञानिकों ने इस पतन को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत भी पेश किए हैं, जिसमें आर्य आक्रमण सिद्धांत और व्यापक मानसून के कारण जलवायु परिवर्तन शामिल। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मोर्टिमर व्हीलर के एक सिद्धांत के अनुसार एक खानाबदोश इंडो यूरोपियन जनजाति द्वारा अचानक किए गए हमले से सिंधु सभ्यता खत्म हुई, जिसके लिए उन्होंने पाए गए कई कंकालों का उदाहरण दिया है। हालांकि यह सिद्धांत सिद्ध नहीं हो सका। इसके विरोधियों का तर्क है कि 1940 के दशक में सामने रखा गया यह विचार ब्रिटिश सरकार की भारत में घुसपैठ और उसके बाद औपनिवेशिक शासन की नीति को उचित ठहराता है। कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा समाज का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, जब सरस्वती नदी सूख गई थी और ये 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण था, जबकि कई इस इलाके में आई भीषण बाढ़ को इसका कारण मानते हैं। कई विद्वानों का मत है कि हड़प्पा की जलवायु में एक और विनाशकारी बदलाव पूरब की ओर बढ़ने वाला मानसून या तेज बारिश हो सकती है। कई विद्वान मानते हैं कि कई तरह के विषम कारणों की वजह से इसके निवासियों ने इसे छोड़ दिया और धीरे धीरे पलायन करके वे उत्तर में गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदान की ओर चले गए, जिस कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। अंत में यह कहा जा सकता है कि जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई जारी है, अधिक जानकारी निश्चित रूप से इसके इतिहास और विकास को बेहतर समझने में योगदान करेगी। यह सभ्यता हमें यह भी सिखाती है कि सभ्यता का पतन केवल बाहरी कारणों से नहीं होता, बल्कि कभी कभी प्राकृतिक बदलाव और जलवायु परिवर्तन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे पर्यावरण संसाधनों का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इससे ये भी कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हम अपने अतीत से सीखते हैं, हम एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आज की चर्चा का विषय आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे और ऐसे ही नए विषयों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।